पापा लकड़ियाँ तोड़ने के जोर हमाम जला रहे हैं, यही पानी गर्म होता है। हमारे जब बुजुर्ग आए थे सबसे पहले, हाँ जी, वो किस लिए आए थे यहाँ पर? अब अपना गिफ्ट देने की बात ठीक है, रुको आ रहा। तूने गिफ्ट इनको भी नहीं दिखाया? कहाँ दिखाया भी किसी को, मतलब कैमरा को भी दिखाए क्या? अभी आप लोगों को सस्पेंस था ना, अब दिखाएंगे। आधा मम्मी के मुंह पे स्माइल देखो, इनको ऑलरेडी पता है कि कुछ आया है इनके लिए। क्योंकि इस खुशी में क्यों है भाई की पहली कमाई का गिफ्ट। ग्रेट खोल के भी देखो ना पापा जी, ये आपका गिफ्ट और ये के पापा आपका एक, ये मैं और मम्मी की तरफ से, दोनों की तरफ से, ठीक है? मैं और मम्मी की तरफ से दोनों तेरे लिए भी है, तेरा सबसे लास्ट में खोलेंगे। कोई नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैंने तो देखे ही है यार, मेरे को क्या पता। चल तू तो साथ ही था। तो ये है जी गिफ्ट, पहला गिफ्ट है मम्मी का, पहला गिफ्ट है जी मम्मी का जूते। थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम से मम्मी सोच रही थी स्पोर्ट्स शूज चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए, तो मैंने सोचा मम्मी को स्पोर्ट्स शूज ही लेके देता है। पापा के लिए मेरे को, मैं शर्ट्स ढूंढ रहा था मगर फिर पापा के लिए। ओहो ओहो क्या नहीं यार, क्यों हुआ है? यू हैव एकदम स्मार्ट बॉय लग रहा है। ये तो यंग हो गए यार जैकेट पहन के। देखो ये तुम्हारे लिए भी चीज है, मतलब बिग हो। क्या बोलना चाहोगे पापा? हैप्पीनेस। क्या बोलना चाहोगे फर्स्ट गिफ्ट के लिए? फर्स्ट गिफ्ट के लिए बोलना चाहेंगे कि भाई ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का ओकेजन है कि भाई यू हैव स्टार्टेड अर्निंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इन अ वेरी कम छोटी उम्र में अर्निंग हो गया, वेरी इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। विश एंड प्रे Almighty God के भाई आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आगे बढ़े, हमारे लाखों लाखों अरब अरबों खरब खरब आशीर्वाद और दुआएं हैं, आप प्रोस्पर करें, आगे बढ़े और ज्यादा ज्यादा नाम कमाए, दुनिया में आपका नाम चले। नहीं आप खुश हो गिफ्ट से पहले? अरे वेरी हैप्पी। कैसे आपने देखा भी ये बड़ी चीज है ना गिफ्ट की, अगर इतनी सी चीज भी होती तो कैसे लगे हीरे के नंगी जूते पहन के देख रहे हो? पापा के लिए भी देखो शूज, मम्मी और मेरी तरफ से, मम्मी और उज्जो ने साथ में लिया है गिफ्ट, पापा के लिए स्पोर्ट्स शूज है, पापा को स्पोर्ट्स शूज बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, और पापा को जरूरत भी नहीं काफी टाइम से, तो हमने सोचा चलो ये साथ मिलके दे देते हैं। तो बाकी मैंने, हाँ ये जैकेट मैंने पापा के लिए लिया स्पेशली, तो यार देख सकते हो ये है जैकेट, नाइस गिफ्ट, देख सकते हो। ये देखो मेरे लिए भी है वापस रिटर्न गिफ्ट। क्या है रिटर्न में? शर्ट्स। ये इनकी तरफ से था भाई रिटर्न गिफ्ट, ये आज जब हम शॉपिंग करने गए थे ना गाइस वहां से लिया है, वहां से मम्मी ने दिया है उज्जू को, मम्मी पापा दोनों की तरफ, अच्छा दोनों की तरफ। अब कैमरामैन साहब आप भी आओ, आप ना भागे जा रहे हो। अब मेरा क्या गिफ्ट? कैमरामैन साहब इधर आओ, इधर छोड़ दो, कोई नहीं मेरे को ऐसे दिखा, ये देखो जी ये गिफ्ट गाइस। यार मेरे को कैमरामैन साहब के लिए कुछ मिला नहीं है, लो सॉक्स भी मान लो। बड़ी ऑड सी चीजें दे रहा हूँ कैमरामैन को जी। गाइस इसको बोलो कि अगली बारी मेरे को अच्छा गिफ्ट। यार मैंने इनको बोला था कि ले लो वो गिफ्ट ले लो, मतलब अरे इसमें ये बोल रहा था कि तू जैकेट ले ले उसके बाद मेरे को दे दे, तू तो कहीं जाता नहीं। तो बोलो ये क्या बात हुई यार, यही कर सकते हैं आपस में, मैं तो कुछ ले नहीं रहा था। बेटा आर यू गाइस सेटिस्फाइड? हां इंटरनेशनल ब्रांड है ना? तो पापा बहुत खुश है यार, देखो फर्स्ट गिफ्ट, दिस इज अ बिग गिफ्ट। उज्जू मतलब मना कर रहा था, नहीं मैं मना कर रहा था इसको कि गिफ्ट नहीं लेते, बट ये मानना नहीं, बोले नहीं नहीं मेरी फर्स्ट कमाई है, लेना पड़ेगा गिफ्ट, पहले कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। भाई मैंने ना अपनी जैसी मेरे को पहली कमाई है, मैंने मम्मी को दे दी, मैं आप रखो अपने पास,
आपके पास ठीक रहेगी क्योंकि ये बहुत खर्चीला है, तो अगर इसके पास रखोगे तो किसी चीज पे कभी किसी चीज पे मेरा मन ललचा जाता है चीजों के लिए। तो फिर मम्मी से मैं ना जब वापस मांग रहा, मम्मी दे ही नहीं रही, दे ही नहीं रही भाई, मैं ले आओ भाई पैसे ले आओ। और तूने बोला कि मम्मी को क्यों चाहिए तुझे पैसे? मैं मेरे को लगता है भाई मेरे काम है भाई। तो चलो आपके लिए गिफ्ट लाया आफ्टर। यार मान नहीं रहते, दे ही नहीं रहते भाई। मैं तो बेटा दूंगी दूंगी, पूछने दे पहले पापा से, पूछने तब दूंगी। नहीं ये ऐसे खर्चता रहता है ना, तो इसको तो तू बता भाई कैसा लग रहा है पहली कमाई से पहला गिफ्ट देके पेरेंट्स को? मेरे को तो बहुत, पेरेंट्स को क्या मुझे भी। हां भाई मेरे को तो बहुत खुशी है भाई। मैं तो जिस दिन ले भी रहा था मेरे को तो ऐसी खुशी थी कि मैं चलो कुछ, मतलब ऐसा नहीं अब सोचना पड़ रहा है कि मैंने ये लेना है वो लेना है, लू या ना लू। मम्मी शूज ठीक है? शूज वेरी नाइस, कंफर्टेबल है शूज, वेरी नाइस लुकिंग, देख छोटे से भी और नाइस लुकिंग, और ये भी बहुत जबरदस्त। और पापा आपके शूज वेरी नाइस। देखो पापा को ना ग्रिप बहुत पसंद होता है शूज में, अच्छा ग्रिप हो क्योंकि चलना आपको पता है पहाड़ों में कैसा होता है। मैं सेटिस्फाइड हूं, क्यों बोलूं झूठ? ठीक है यार, मैं इसलिए नहीं बोला इसको कि मुझे कुछ इसलिए नहीं चाहिए, बिकॉज मैं कहीं बाहर तो जाता नहीं हूं। तो मैं इसके साथ गया था तो मैंने इसको बोला कि डोंट स्पेंड इट ऑन मी, अगर लेना है तो कुछ घर वालों के लिए अपने लिए ले ले, आई डोंट नीड इट। हाँ जी पापा, हाँ जी, ये देखो लोग कब, अरे यहाँ ना लेते फटाफट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बाहर ही सच बोल रहा हूँ, अरे कुछ नहीं होता, हो गया जी गरम। ये देखो पापा लकड़ियाँ तोड़ने को जोर, हमाम जला रहे हैं, यही पानी गर्म होता है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि गीजर गुजर हो गए ऑन करेगे इसको फिर गर्म होगा पानी, खुद करना पड़ता गर्म पानी, खुद निकालो खुद। बड़ी देखो जी हमारा किचन। क्या कर रहे लक्ष्मी आप? मैं तो बेटा तो हम चटनी बना रहे हैं ना। आई क्या बात है, चटनी बड़ी अच्छी बनाती है। ये देखो ये अपना धनिया है ये। अच्छा ये अपना, अच्छा आपके तो पुदीना धनिया सब भी अपना अपना है ना, क्या बात है। ब्रिंजल भी है, कैप्सिकम भी है, लाल मिर्च है लक्ष्मी, लाल मिर्च तल के खानी है वो। लेडीज डिपार्टमेंट ने किचन पकड़ा हुआ है, देखो सारा खाने पीने का सामान यहाँ। देखो चटनी बन रही है, चटनी इन मेकिंग। घर के पुदीने की स्मेल ही अलग होती है। मैं तो पता क्या करती हूं जी, ये क्या है, ये क्या है, ये एक खीरा, खीरा यहां देखो, यहां देखो एक पेड़ में पानी थी। मैं आपको रिजेम्बलेंस दिखाऊं इस खीरे की? अच्छा ये टमाटर, ये भी अपने ही है ना, क्या बात है। देखो टमाटर खीरा सब कुछ, ये देखो हां जी, लकड़ी से चलता है, हां जी सही बात है, सही बात है। सही बात है, देख लो जी ये सही में जब से तो साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है ये, तो बिजली से है नहीं ना, ठीक नहीं होता। हाँ जी उसकी हर चीज की रेडिएशन होती है। हाँ जी तो ये नेचुरल सोर्स है हमारा यहाँ पे। सही जो हमाम है, हाँ जी, ये हमारा एक ऐतिहासिक वो है गर्म करने का हीटर। जंगल नजदीक है, हाँ जंगल नजदीक होने की वजह से ये हमाम यूज किया जाता है। जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई मेला होता है, तो बहुत सारे मेहमानों को निपटाने के लिए हमारे पास हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमने गीजर अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए ये हमने इसी को यूज करते हैं। मकान भी हमने तभी अभी किराया हुआ है। सही बात है, सही बात है, ये याददाश्त जुड़ी है हमारी, ये कम से कम 700 साल पुराना मकान है हमारा, हमारी याद इसके साथ जुड़ी हुई है। सही बात है, तो
इसलिए अब तो खैर इसकी गिराने की परमिशन देवता महाराज से ले ली अपने। अच्छा, डिसमेंटल करेंगे यहाँ पर, नया कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या बात है, फिर नया बनेगा। क्या बात है, कब ली, मतलब कब मिली परमिशन? बस अभी लिया हमने, पीछे देवते का फंक्शन था उसमें हमने परमिशन ले ली, इसको गिरा के फिर नया बनाएंगे यहाँ पर। आखिरी व्यू, सही बात है, इसके बाद ही देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ और ही होगा, कुछ और ही होगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। 700 साल पुराना घर कहाँ मिलेगा देखने को यार। तो यादें रहनी चाहिए ऐसे घर की भी। तो मुखिया देख रहे हो, यहाँ ना पहले शहद बनाया जाता था जब मतलब दादाजी वगैरह रहते थे हमारे यहाँ, बट अब यहाँ कुछ नहीं होता, बनाते तो हो गए शहद, क्या लगता है, है? इतनी मधुमक्खियाँ अभी भी आ रही जा रही है। तो देख लो भाई, ज्यादा नजदीक में जाऊंगा नहीं, इनसे डर ही लगता है भाई। मगर देखो यहाँ से हम क्रॉस कैसे होते हैं, मुझे हम सबको लगता था भाई। ये देखो बीच रास्ते में यहाँ से मधुमक्खी आती जाती रहती है, मगर तब भी हम देखो ब्रेवली ऐसे क्रॉस करते हैं, डरना नहीं पड़ता, करती कुछ नहीं है। देखो अगर आप इनको छोगे तब कुछ करेगी, अगर हाँ ज्यादा हीरो बनोगे तब तो, तब तो एक नहीं सभी काटेगी एक साथ। उसी साइड दिखाते हैं घर की, ये देखो पुराने घर की हम साइड दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ ना, ये एरिया देख रहे हो आप, ये होता था बर्तन धोने वाला एरिया भाई। यहाँ बर्तन धोए जाते थे, यहाँ बर्तन रखे जाते थे, एक बाथरूम होता था मतलब नहाने के लिए, यहाँ नहाया जाता था। अब इतना मजबूत होगा कि नहीं पता नहीं, बहुत साल पुराना है। बाकी यहाँ रखा जाता था देखो हमारा दूध लस्सी सब कुछ, यहाँ बनाया जाता था फिर यहाँ रखा जाता था। लॉक याद है वो कैसा लॉक? हाँ वो खोल के अजीब सा, हाँ यार वो लॉक दिखा नहीं पाएगा आपको, है नहीं एक्चुअली, वरना हर कुछ लॉक होता था वो भी। दादाजी का रूम ये अभी बंद है, दिखाएगा आपको धीरे धीरे। और ये देखो ये है पीसने के लिए, कुछ शील बोलते जी, शील इसको बोलते जी, हाँ जी। इस पर जो अभी पीसना था ना, हाँ जी, जो काम अब मिक्सी करती है ना वो शील पर होता है। अच्छा, पीसने का काम कुछ भी है तो पहले नमक दूसरा होता था यूज। अच्छा, तो पिसा हुआ था ना, हाँ पिसा नमक, हाँ पहले मोटा मोटा नमक होता था। अच्छा, पीस के आपने फिर दाने में डालना या कहीं डालना, पिसा पीसने के लिए होता था, या कोई चीज आपने मसाले पीसने या कुछ मांस पीसने। अच्छा, तो इस पर ही पीसे जाते थे। हमारे बाथरूम इसी तरह के बनते थे, अटैच होते थे, ये अटैच बाथरूम होते थे। इसके लिए जो साइडों में थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे वेंटिलेटर टाइप बने ना, ये लाइट के लिए, रोशनी के लिए बनते थे। अच्छा, ये चला यहाँ चला बाथरूम किचन में, जब भी कोई खाना खा के सारे बर्तन का ढांगे ले जाता था, हाँ जी, है ना। तो बस यहीं पर इसकी धुलाई में वो करके और यहीं साथ में इसको रखते थे। इस चीज का अनुभव नहीं होगा, हाँ जी, कि भाई कितने बच्चों का, तुम 11 कजन है ना, हाँ जी, तुम कितने बच्चों का जन्म यहाँ हुआ है? कोई नहीं, नहीं, इतना याद नहीं है। तीन बच्चों का जन्म यहाँ हुआ, बाकी तुम्हारे जन्म सबके बाहर हुए। हाँ, इस गांव से बाहर हुए तुम, कोई शिमला हुआ, कोई कहीं हुआ, बर्थ, हाँ जी, बर्थ प्लेस तीन आदमी का सिर्फ यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन है जी? वो रुबीना, हाँ जी, रोहिणी, अच्छा, अक्षय, अच्छा, तीन का सिर्फ, तीन लोग, भाई बहन थे, हाँ जी। हम हमारे जॉइंट फैमिली थी हमारी, हमारे पापा, हाँ, और चार ताए थे हमारे। अच्छा, सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसी मकान में रहते थे, हाँ जी। और किचन ये था हमारे लिए, इसके नीचे वाली मंजिल है, हाँ, उसमें हम रहते थे। हाँ, क्या बोलते थे उसको? मंजो बोलते उसको। और उसमें हम रहते थे, पढ़ते लिखते भी उसमें थे, स्कूल से आके उसमें बस्ते रख के वहीं कपड़े खोल के हमारा खाना वहीं आता था, वहीं रहते थे हम, उसमें रहते थे, हमारे को लौट नहीं होता था पुराना। अच्छा, क्योंकि यहाँ गेस्ट वगैरह होते थे, हम बच्चे शरारती होते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, इसलिए हमारे को उसी में रखा जाता था कि भाई यही रहो नीचे, अलग से अपने इसमें पढ़ो भी रहो भी। इंटरेस्टिंग है देखो, आप पुरातन शैली में बना हुआ है, तो इसमें ये है हमारा स्टोर, ध्यान स्टोर, मतलब जो हमारे खेत है इस तरफ देखो आप, हाँ जी, बार को उस तरफ को, इस हाँ तरफ को, हाँ जी, हमारे इसमें गेहूं, जौ, धान, हाँ जी, मक्की और दाले, इसमें हाँ जो भी पैदा होती थी उसके लिए खलिहान इसके नीचे। अच्छा जी, खलिहान में वहां से हम ढोके, हाँ जी, ढोके खलिहान में लाते थे, हमारे बुजुर्ग लाते थे, तो हम भी उनके साथ काम करते थे। फसल उस पर सुखाई, उस खलिहान में सुखाई जाती थी, हाँ जी, और बैल उस पर बैल घुमाए जाते थे, फिर उसके दाने अलग निकलते थे, हाँ जो उसका वेस्ट है वो, अच्छा, अलग निकलता था, वेस्ट उठा के हम अलग फेंकते थे, हाँ जी, फिर हवा के साथ उसको छानते थे। अच्छा जी, हवा के साथ छान के जो उसका भूस वगैरह था अलग निकल जाता था, दाने बच जाते थे, फिर दाने देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर दाने कलेक्ट करके हम इसको बोलते हैं डोबड़ी, डोबड़ी, अच्छा, डोबड़ी बोलते हैं डोबड़ी। ये देखने में डबल स्टोरी है पर है सिंगल ही है ये। अच्छा, अंदर से इसमें अलग अलग कैबिन बने, बाहर से खलिहान से जो अनाज लाते थे वो उसमें स्टोर करते जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम उस टाइम हम राशन दुकान से बहुत कम खरीदते थे, हमारे अपने खेत का होता था अपने। हाँ, अब तो वक्त बदल गया, अब तो अनाज कोई नहीं बेचता, अब सेब पर डिपेंड है, अब तो सेब ही सेब का काम है, बाकी कोई भी दाल ना, कोई राशन ना,
अनाज कुछ नहीं बीजते अब। देखो जी इतनी इतनी ज्यादा इन्फो और इतने अच्छे से इन्फो कौन ही बता सकते, यही लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो देखो अच्छी अच्छी बात है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, हमें भी हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते जाएंगे हम। इंटरेस्टिंग चीज और है, हाँ जी, पहले यहाँ का व्यू कैप्चर करे थे ढांक ऊपर, कितने स्टीप ढांक के ऊपर, हाँ जी यहाँ के, सही बात है। यहाँ हमारे जब बुजुर्ग आए थे सबसे पहले, हाँ जी, वो किस लिए आए थे यहाँ पर, हाँ जी, पहले शुरू में होता था भेड़ बकरिया गाय बैल बहुत सारे होते थे, ये सबसे पहले चाहिए होता था चुगाने के लिए जगह, हाँ जी, जहाँ पर आप बाहर ले जा सके खुले में वो चुग सके, या और घास की सुविधा जहाँ पर, हाँ जी, ये जो ढांक के ऊपर ये, हाँ जी, इसमें घास ही बहुत ज्यादा घास होता था, हाँ जी, ये घास की सुविधा फैसिलिटी मिल जाती थी। अच्छा दूसरा ये कि भी अपने सर्दी के रहने के लिए और खाना पकाने के लिए जंगल, जंगल ये देखो साथ में पास साथ में, हाँ जी, इस साइड को बैक साइड को, हाँ जी, जंगल ऊपर को ना, हाँ जी, जंगल है तो जंगल की सुविधा भी थी, घास की सुविधा भी थी, और पानी के लिए दो बावड़ियां ये देखो यहाँ पास, हाँ जी, वो सामने इधर ये बावड़ी, उस टाइम आईपीएच की कोई स्कीम नहीं होती थी, हाँ जी, कोई भी पानी नहीं होता था यहाँ पर, तो वहाँ से जो है ना पानी ढो के लाते थे, नजदीक था पानी ये, अच्छा, नेचुरल सोर्स नजदीक था ये, और एक साथ में उस तरफ भी है पानी का सोर्स, अच्छा जी, तो पानी की सुविधा थी, घास की सुविधा थी, लकड़ी की सुविधा थी, इसलिए हमारे बुजुर्ग यहाँ बसे थे ये। अच्छा क्या बात है, तो वक्त के हिसाब से इस जगह की बहुत वैल्यू थी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे कुल 5 मकान थे, ये जो गाँव है ना 5 मकान थे, अब इसके कोई 30 मकान बन गया है, बाकी सब यहाँ से चले गए बाहर बाहर ही रहते हैं, और यहाँ पर सिर्फ वही 5 मकान अभी तक। जैसे अभी परे मैंने आपको दिखा था बर्तन धोने के लिए, अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी है, यहाँ मतलब छोटे मोटे बर्तन धोने के लिए, फटाफट यहाँ धोए और चलो पार। क्यों जी, पार जी, चूल्हे में बन रही जी चपातियाँ, ये देखो ऐसी बनाई जाती है हमारे गांव में चपातियाँ, ये देखो वहाँ तवा लगा दिया गया जी है, यहाँ अब से मम्मी यहाँ बस चूल्हे पे सेकते रह गए, क्या बात है, और जो चूल्हों की रोटी होगी भाई मजे की बात है, सही बात है जी, सही बात है। और ये ऐसा नहीं है जैसे हमारे ऊपर नराता में चूल्हा, वो स्टील का बना, ये है पूरा मिट्टी से बनाया गया चूल्हा, देखो और उधर दाल है, उधर पानी गर्म हो रहा है, चपातियाँ बन रही है, अलग अलग, हाँ जी, हमारी फैमिली, हमारे 4 भाई की फैमिली पूरी साल भर अलग अलग रहते हैं, पर इस ओकेजन में हम इकट्ठे होकर सेलिब्रेट यही मनाते हैं, बहुत एक अपने इतिहास को अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए, हाँ जी, और एक सब इकट्ठे होके एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, इकट्ठे मिल भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, और अपना एंजॉय भी हुआ, फंक्शन भी सेलिब्रेट हुआ, हमारे देवते का फंक्शन होता है, देवते वाला घर है ये, है ना, देवते का जो फंक्शन है, भंडारी भी आई है, डैडी पापा है, भंडारी है ना, तो अब हमारे पैशली भी होगी आगे, तो भी यही होगी, पहले साफ सफाई होगी यहाँ, तब जाके वो पैशली होगी, तो सबको इकट्ठी करनी पड़ती है चारों भाई, अब ये पूरी फैमिली देखो हमारी, ये महिलाएं सब खाना, हाँ जी, कलेक्टिवली काम करती है सब, सही बात, और फंक्शन को निपटा के फिर अब हमने, सही बात। तो गाइस अब मैं आपको बाकी घर के बारे में बताता हूँ, देखो ये है बड़ा रूम, तो यहाँ देखो यहाँ सारे मम्मी पापा सोए हुए थे, तो ये है दूसरा रूम, यहाँ मुझे याद है यहाँ सोते थे हमारे सबसे बड़े दादी और सबसे बड़े दादी और सबसे बड़े दादू यहाँ सोते थे, ये देखो यहाँ भी मंदिर हमारा बरामदा, ये देखो यहाँ हम धूप सेकते हैं, देखो हम सबके बैग, देखो यहाँ भी सब इकट्ठे हुए ना, देखो सबके बैग, देखो ये देखो इतनी लंबी लाइन है बैग की इतनी लंबी, ओह बीच में ऑब्स्टेकल, ओह एक और बीच में ऑब्स्टेकल, बच्चे सोते थे हम यहाँ ना, ये हमारा रूम होता था बच्चों का, बड़ों का वो परे वाला रूम, सारे बच्चे इकट्ठे होते थे तो यही सोते थे भाई, हम ब्याड़ इसको बोलते हैं हम, क्या ब्याड़ यहाँ सारे बिस्तर होते थे रखे हुए बच्चों के लिए, बट अब यहाँ को शिफ्ट हो गए, यहाँ को ये देखो ड्रेसिंग मिरर, वो बाल भी बनाने अभी हमारे, ये हमारे दादू जी जो रियल दादू, ये दादी हमारे छोटे दादू छोटे दादी, और यहाँ भी छोटे मोटे बर्तन वगैरह सब कुछ रखा जाता है, तो भाई यहाँ की तो बहुत मेमोरीज है, हमने पता नहीं क्या क्या नहीं गया, क्या क्या नहीं गया इस रूम में, तो भाई अलग ही फन भाई, मज़ा ही आ जाता था। और अभी मैं जा नहीं सकता साइड को, देखो सबसे बड़े वाला रूम वो था दादाजी का रूम, छोटे दादाजी का रूम, अकेले सोते थे और वो सुबह उठते थे हमेशा 3 या 4 बजे, सोते जल्दी थे 7 या 8 बजे, बट जल्दी उठ भी जाते थे, फिर काम करना, लकड़ियाँ लानी, घास बनाना, खेत में जाना, काम करना। चलो जी खाना खाने हो गया जी, खाना हो गया, हाँ जी, नहीं सिंपल खाएगा, सिंपल अभी दाल चावल खाएगी जी, सिंपल दाल चावल, सब्जी फुल्का, चपाती, अरे चपाती खा ले,